नमस्कार एवरीवन। इस पंचकर्मा की सीरीज में आज हम समझने वाले हैं स्नेहन के बारे में। आज हम स्नेहन चैप्टर स्टार्ट करेंगे और डिटेल में वन बाय वन जाएंगे, इसके क्लासिफिकेशन में, इम्पोर्टेंस में, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड सो ऑन। सो आज के सेशन में हम इंट्रोडक्शन और इसकी इम्पोर्टेंस समझने वाले हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड द स्क्रीन। स्नेहन जो शब्द है उसका अर्थ है लुब्रिकेशन। सो स्नेहन एक ऐसी थेरेपी है विच प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू द बॉडी। आचार्य चरक कहते हैं स्नेहनम स्नेह विष्यंदनम मार्दवम क्लेद कारकम, मीन्स द स्नेह इज एज ए ट्रीटमेंट इज विच प्रोवाइड सॉफ्टनेस विस्कोसिटी एंड सॉल्युबिलिटी टू द बॉडी। इस इम्पॉर्टेंट से स्नेहन इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब भी हम कुछ भी शोधन करेंगे, कोई भी मेन प्रोसीजर करेंगे पंचकर्म का, तो इसको इन प्रिपरेटरी स्टेज में इसको हमेशा लिया जाता है, अनलेस देयर इज सम स्पेसिफिक सिचुएशंस। सो स्नेहन को हमेशा लेना है बिकॉज उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो दोष है, विशेटेड दोष है, उसकी लुब्रिसिटी को बढ़ा के उसको शाखा से कोष्ठ में लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। सो दे आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एज ए पूर्व कर्म, एंड स्नेहन इज अगेन इंपॉर्टेंट एज ए प्रधान कर्म ऑल्सो, बिकॉज जहाँ पे सिर्फ वात से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे, केवल वात की प्रॉब्लम होगी, वहां पे भी केवल स्नेहन से दोज कंडीशंस कैन बी ट्रीटेड। सो सुश्रुत चिकित्सा स्थान में 31st चैप्टर में बताया गया है द पर्सन हु टेक्स स्नेहा रेगुलरली विल गेट द फॉलोइंग बेनिफिट। ओके, कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं उस पर्सन को जो रेगुलरली स्नेहा को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करता है, वेदर इट्स इंटरनल और एक्सटर्नल। सो फर्स्ट बताया गया है दीप्तो अग्नि। दीप्तो अग्नि मीन्स इट किंडल द डाइजेस्टिव फायर, मेटाबॉलिक फायर, और हम बोल सकते हैं आयुर्वेद में 13 टाइप्स की अग्नि बताई गई है। तो स्नेहन हर टाइप की अग्नि पे अपना काम करता है और उसको स्टिमुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म में एक्ट करता है। परिशुद्ध कोष्ठ, कोष्ठ को पूरे हब के डाइजेस्टिव ट्रैक को ये क्लीन करने में हेल्प करता है। प्रतिग्र धातु और ईच एंड एवरी धातु को नरिश करता है, जिससे कि क्या होगा, अग्नि स्टिमुलेटेड होगी, कोष्ठ क्लीन होगा, हर धातु जो है नरिश्ड होगी, तो ऑटोमेटिकली देर विल बी सो मच स्ट्रेंथ इन द पर्सन, एंड व्हेन देर इज स्ट्रेंथ इन द पर्सन, देर इज अ गुड डाइजेस्टिव पावर, देन द कॉम्प्लेक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट ग्लोइंग। सो इट्स अ बल वर्ण युक्त दृढ़ इंद्रिया, इट गिव सो मच क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ टू ऑल द सेंस ऑर्गन्स एंड देयर कर्म। मंद जरा, सी इफ देयर इज सो मेनी बेनिफिट्स, देन ऑटोमेटिकली इट एक्ट एज ए एंटी एजिंग एंड शतायु, बाय दिस अ पर्सन कैन लिव 100 इयर्स। सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन बाय गिवन आचार्य सुश्रुत। इन चरक चिकित्सा स्थाना 28 चैप्टर इट सेज स्नेहन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर केवल निरुपस्तंभ वात व्याधि, मीन्स जहाँ पे सिर्फ वात से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दूसरे दोष नहीं एसोसिएटेड हैं, वहां केवल आप स्नेहन से ही उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज हैविंग बॉडी एक एंड विच इज टोटली रिलेटेड टू वातस एंड इट इज हैपनिंग एट द वातस टाइम, सो एट दैट सिचुएशंस पर्सन कैन बी गो फॉर द अभ्यंगम विद अ मेडिकेटेड ऑयल एंड दैट कैन बी मैनेज। सो दिस इज द वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इज केवल वाता प्रॉब्लम और अदर दोषाज आर इन्वॉल्व। सो दिस एट केवल निरुपस्तंभ वात में सिर्फ हम स्नेहन से ही ट्रीट कर सकते हैं। देर इज नो अदर ड्रग इक्विवेलेंट टू तैला इन द मैनेजमेंट ऑफ वाता रोग। चरक चिकित्सा में 33 चैप्टर में बताया गया है कि इफ समबडी इज वांट टू ट्रीट वाता देन दे हैव टू थिंक अबाउट तैला बिकॉज देयर इज नो अदर थिंग व्हिच कैन ट्रीट दैट पर्टिकुलर कंडीशन एंड तैला इज स्नेह। अवर बॉडी हैज स्पेशल एफिनिटी टुवर्ड द स्नेह, दैट इज व्हाई बॉडी इज कंसीडर्ड एज स्नेह सारा। यू नो व्हाई, बिकॉज बॉडी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम शुक्र एंड आर्तवा व्हिच आर स्नेहतम धातु ऑफ द बॉडी। Our seven dhatus like rasa, ratta, mamsa, migda, majja, and shukra dhatu have snigdha guna. Snigdha guna is
कनेक्टेड टू स्नेहा. मामसा एंड उपमामसा एंड इट्स उपधातु वसा हैव सेंस ऑफ स्नेहा. See, Medha and Majja is also having the Snigdha Guna. So, in our whole body, there is a, some importance, there is an influence of this Sneha. That is why we are Sneha Sadhya. So, by considering this, Shushruta, Acharya Shushruta said, Sneha Saram Ayam Purusham means Sneha, we are all Sneha Sara, Ayam Purusham. Pranascha Sneha Bhushta and Prana, the life. The prana is situated in the sneha, sneha sadhya bhavanti, and which can be treated with the sneha. Means any jungle sneha or other kind of sneha can be used. So, for importance of sneha and swedana, in Shushru Chikitsa Sthana they said, if without snehan and swedana, shodhana is induced, the body will break like a dry wood. Ki agar somebody is want to go for shodhan therapy like vaman or virechan, और वो बोलते हैं कि हमें पूर्व कर्म नहीं करना है, we don't want to go for the अभ्यंगम, we don't want to go for the स्नेह पाना, हमें नहीं पीना है, तो in that condition आचार्य said that body can be break like a dry wood, means उनको health में काफी नुकसान हो सकता है. it could have so much problems if they don't follow the purva karma. Sneha help in loosening the doshas which are adhered to the wall of the minute channels. Snehan क्या करता है, जो कि doshas जो हैं बहुत छोटे छोटे श्रोतस में minute channels में stuck on हैं, उनको वहां से उनको डिटैच करके, उनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करके, उनको वहां से फैसिलिटेट करते हैं शाखा टू कोष्ठक. Entire shodhan therapy is depend on the proper mobilization of doshas from shakha to koshta, which is only possible by snehan and swedan. See, we cannot perform shodhan. Shodhan kab kiya jata hai? Jab dosh jo hai kosht mein aa jate hain. Lekin kosht tak dosh ko lane ke liye we have to follow some process, and that process is snehan and swedan. Snehan se lubrication create ki jayegi, swedan se vasodilation क्रिएट की जाएगी, दोषास को स्टिमुलेट किया जाएगा अपनी जगह छोड़ के पोस्ट की तरफ आने से, तभी तो ये पॉसिबल होगा कि हम दोषों को पोस्ट से बाहर निकाल पाएंगे. दैट मींस ब्रिंग दोषास फ्रॉम शाखा टू पोस्ट सो दे कैन एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी. सी अभी तक तो हम ये समझते हैं, तो स्नेहन का करने का जो है देयर इज ओनली मेन टू रीजंस है. एक रीजन तो है एज ए पूर्व कर्म फॉर शोधन, एज ए प्रधान कर्म फॉर वेरियस वातस डिसऑर्डर. सो दिस इज द रोल ऑफ, अगर मैं ब्रॉड टर्म में बोलूं तो शोधन करने के रोल क्या है. शोधन करने का सिर्फ दो ही रोल है. एक रोल तो है कि उसको एज ए पूर्व कर्म किया जाए जब हमने वमन विरेचन और बस्ती करना है. दूसरा है उसको एज ए प्रधान कर्म भी हम यूज कर सकते हैं, कहां पे, जहां पे केवल वातस डिसऑर्डर प्रेजेंट है. सो एज ए पूर्व कर्म हम कहाँ करेंगे, देखिए स्नेह पान किया जाता है जब भी आपको शोधन करना है एज ए पूर्व कर्म, और अभ्यंगम किया जाता है. ये दो प्रोसीजर बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं. और स्नेह पान के देर इज अ डिफरेंट मेथडोलॉजी फॉर द स्नेह पान, देर इज अच्छा पान. सो दिस काइंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अदर फर्दर क्लासेस. सो एज प्रधान कर्म वी कैन चूज दिस थेरेपीज लाइक अभ्यंगम, शिरोधारा, शिरोबस्ती, शिरो पिचू, एंड सो दीज थेरेपीज कैन बी इंडिकेटेड टू डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ सम प्रॉब्लम, सम डिसऑर्डर्स विच इज रिलेटेड टू क्लियर वाता. फॉर एग्जाम्पल शिरोबस्ती इज एडवाइज्ड इन अर्दिता, शिरो पिचू इज ऑल्सो एडवाइज्ड इन वातस शिरोशूला, शिरोधारा इज ऑल्सो एडवाइज इन वातस अवसादा, अभ्यंगम वातस रिलेटेड प्रॉब्लम, अस्थिशूल. सो इन दैट वे विद दीज थेरेपीज with these therapies can act as a pradhan karma for particular condition. Okay, so that's it for the today's class. So aaj ki class mein humne samjha, let's give a quick revise, basically snehan ka matlab kya hai, uska matlab lubrication hai, iski definition snehanam sneha vishyanam mardva kled karkam, aur iski importance ko aaj humne samjha. So the person who go for regularly sneha pana or snehna, he is going to get these so beautiful benefits. Then its importance as a
प्रधान कर्म एंड एज ए पूर्व कर्म. दीज ऑल थिंग्स वी अंडरस्टूड इन टूडेज क्लास. सो नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इन द फर्दर वीडियोज. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग. डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड लाइक. एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इज देयर, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. आई वुड लव टू आंसर योर क्वेरी. थैंक यू सो मच. विश यू अ ग्रेट डे.